जय हिंद एवरीवन, दिस इज सत्य आलोक रंजन सिंह एंड टुडे आई विल टीच यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश, दैट इज डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन बिसाइड मी. स्टूडेंट्स, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस, बट मोस्ट ऑफ द पीपल यूज दिस टू वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग टर्म्स टू एक्सप्रेस और टू इंडिकेट द सेम सेंस. So through my this video, I will clarify the difference between home and house. And apart from this, if this video is useful for you, then please give it a thumbs up for supporting me, as your one like motivates me a lot. So students, let us learn the difference between home and house within few minutes with a great fun to enhance the skill of spoken English much better than before. तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउस के बारे में. स्टूडेंट्स, हाउस एक वर्ब है और ये एक नाउन भी है. जब हाउस का प्रयोग वर्ब के रूप में किया जाता है तो इसका उच्चारण होता है हाउस, हाउस. और इसका हिंदी मीनिंग होता है घर पर ठहराना या संरक्षण प्रदान करना. और जब हाउस का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है तो इसका उच्चारण होता है हाउस, हाउस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है रहने का मकान. इसका मतलब ये हुआ कि जब हाउस वर्ड का यूज़ नाउन के रूप में किया जाता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है रहने का मकान. और इंग्लिश में आप बोल सकते हो कि अ बिल्डिंग दैट इज़ मेड फॉर पीपल टू लिव इन इज़ कॉल्ड हाउस. स्टूडेंट्स, बेसिकली हाउस को रेंट पर लिया जा सकता है या इसे लेट किया जा सकता है. इसके अलावा जब हमें हाउस को चेंज करना होता है या बदलना होता है तो हम किसी भी इस्टेट एजेंट से बात करते हैं और अपने लिए एक नया हाउस यानी रहने का मकान ढूंढते हैं. स्टूडेंट्स, सबसे ख़ास बात ये है कि हमें या किसी भी व्यक्ति को हाउस से कोई ख़ास लगाव यानी अफिनिटी नहीं होता है. यानी कि जो रहने का मकान होता है वो अपनेपन का एहसास नहीं कराता है. या साधारण शब्दों में आप कह सकते हो कि हाउस से हमारा कोई भी पर्सनल अटैचमेंट या कनेक्शन नहीं होता है. अब हम बात करेंगे होम के बारे में. स्टूडेंट्स, होम बेसिकली एक नाउन होता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है घर या निवास स्थान. होम एक एडजेक्टिव भी होता है जिसका मतलब होता है घरेलू. साथ ही साथ होम एक एडवर्ब भी होता है जिसका मतलब होता है घर या स्वदेश पर में या को. अब हम होम का मतलब क्या होता है नाउन के रूप में जानेंगे. स्टूडेंट्स, होम बेसिकली एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे आप परमानेंटली रहते हो या आपको ऐसा फील होता है कि आप वहाँ के मूल निवासी हो या आपका उस जगह से कोई विशेष संबंध हो. होम कुछ भी हो सकता है, एक मजबूत बिल्डिंग भी हो सकता है और एक झोपड़ी भी हो सकता है. कहने का मतलब ये हुआ कि वह स्थान जहाँ पे आप स्थायी तौर पे रहते हो और आपका उस स्थान से विशेष लगाव या नाता हो या आपको वहाँ पर अपनेपन का एहसास होता हो, उसे हम बोलेंगे होम. अब हम होम एंड हाउस के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है इसको जानेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे होम के बारे में. स्टूडेंट्स, होम बेसिकली एक परमानेंट प्लेस होता है जहाँ पे कोई व्यक्ति स्थायी तौर पे रहता है और उसे अपनेपन का एहसास होता है.
किसी भी व्यक्ति को अपने होम यानी निवास स्थान से विशेष लगाव, जिसको पर्सनल कनेक्शन या अटैचमेंट या अफिनिटी कह सकते हो इंग्लिश में, होता है। जबकि हाउस एक रहने का मकान होता है, या आप कह सकते हो कि एक बिल्डिंग जिस पे लोग रहते हों उसे हम हाउस या रहने का मकान बोल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को हाउस से विशेष लगाव नहीं होता है, यानी कि पर्सनल कनेक्शन या अटैचमेंट नहीं होता है। साथ ही साथ हाउस को किराए पर लिया जा सकता है या किराए पर दिया जा सकता है। इसके अलावा लोग अपने आवश्यकता अनुसार हाउस को चेंज भी करते रहते हैं, जिसके लिए वे अपने स्टेट एजेंट से बात करते हैं ताकि उन्हें रहने के लिए नया मकान मिल जाए। Now I hope that you got a piece of useful information through my this video. And if you get any doubt regarding any word, any sentence in this video, please text down your questions in the comment box given below the video, and I will try my best to reply you the answer as soon as possible. So students, thanks for watching my video and see you in next one. Thank you so much.